घंटेश्वरी मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले के घंटेश्वरी मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मां घंटेश्वरी को समर्पित है। यहां भक्त घंटियां चढ़ाने आते हैं। यह प्रथा तब आरंभ हुई जब नाविकों को घंटी से आने वाले तूफान से सचेत कराया जाता था। यह मंदिर महानदी के साथ ही खड़ा हुआ है। यह मंदिर उड़ीसा के पुराने मंदिरों में से एक है जिसका निर्माण प्राचीन काल में हुआ था। यह मंदिर महाभारत काल से भी पुराना माना जाता है। देवी दुर्गा को समर्पित यह मंदिर का नाम घंटेश्वरी देवी घंटी शब्द से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर आपको चारों तरफ घंटी ही घंटियाँ दिखाई देंगी। अक्सर यह देखा जाता है कि मंदिर में लोग अपनी इच्छाएं और विष लेकर आते हैं, मगर यहाँ पर लोग अपनी इच्छा पूरी होने के बाद आते हैं और यहाँ पर घंटी बांधते हैं। इस तरह उड़ीसा का यह एकमात्र मंदिर है। माँ घंटेश्वरी मंदिर संबलपुर का यह एक प्रमुख और सुंदर स्थान है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यहाँ घंटियाँ हर जगह है। लोग अपनी प्रार्थना की पूर्ति होने के बाद माँ को घंटी चढ़ाते हैं। प्रतिदिन राज्य के अनेक कोने से यहाँ बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। धीरे धीरे अब यह एक पिकनिक स्थल के रूप में चेंज होने लगा है। इस मंदिर के इलाके की विशेषता यह है कि यह हजारों लटकी घंटियां यह उड़ीसा के इस प्रकार का एकमात्र स्थान है। माँ घंटेश्वरी मंदिर संबलपुर से 33 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है और महानदी के किनारे है। पूर्व में नेविगेशन के कारण इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसे बिना रोशनी के एक प्रकार का लाइट हाउस भी कहा जाता है। इस स्थान का नाम देवी घंटेश्वरी से प्राप्त हुआ है। पहले इस स्थान पर कुछ बड़े आकार की घंटियां थी। हवा की मदद से वो भारी ध्वनि उत्पन्न कर रही थी जिससे नेविगेटर्स को इस खतरनाक स्थान के बारे में जागरूक होते थे और वे कभी इसके पास नहीं आते थे। यह चमत्कारिक मंदिर वास्तव में आपको भी जरूर जाना चाहिए यदि आप माँ घंटेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं तो। यह मंदिर की विशेषता इसके पवित्र वातावरण और अनूठे स्थानीय संस्कृति में है। यह मंदिर घने वृक्ष के बीच में स्थित है जिसे यह धार्मिक स्थल एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर नजर आता है। यहाँ पर आने वाले भक्तों का धार्मिक अनुष्ठान का अद्भुत अनुभव होता है और वे इस स्थान के शांत और पवित्र वातावरण में ध्यान और चिंतन का आनंद लेते हैं। मंदिर के बाहर आपको बहुत सारे कुछ ऐसी दुकानें दिखाई देंगी जहां आप प्रसाद के साथ कुछ अन्य खिलौने भी खरीद सकते हैं। जैसा कि यह मंदिर महानदी के किनारे बना हुआ है, यहां पर एक हाइड्रो पावर प्लांट भी बनने जा रहा है और वहां पर जाने के लिए आपको एक बगल से पतला सा ब्रिज जाने के लिए दिखाई देगा जो कि एक अपने आप में एडवेंचरस का रूप ले लेता है। यह जगह महानदी के तीन प्रवाहों का संगम स्थल होने के कारण यहाँ का जल प्रवाह बहुत खतरनाक है और यह एक बल प्रूफ बनाता है। इसके कारण यहाँ कई नावें नज़दीकी आते समय डूब जाती थी। यह हवा बहुत तेजी से चलती थी और अब हीराकुड डैम बनने के बाद यह जगह बिल्कुल सेफ हो गया है। तो दोस्तों, आपको यह जगह और यह मंदिर कैसा लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताएँ। धन्यवाद।